हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाकोल। अगर आप जो है वो गूगल शीट यूज कर रहे हैं और अचानक ही आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है, कंट्रोल कंट्रोल और कंट्रोल जेड करके भी आप जो है वो सारे डाटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जेड करने के बाद भी आपका डाटा जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल जेड करना चाहिए। अगर फिर भी डाटा जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, डाटा रिकवर इसलिए नहीं होता, आपने या शीट को रिफ्रेश कर लिया या आप जो है आपने शीट को बंद करके दोबारा फिर ऑन किया, या कभी कभार ऐसा होता है कि लैपटॉप जो है वो हैंग भी हो जाता है अगर आपकी शीट में ज़्यादा डाटा मौजूद है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लास्ट एडिट वाज सेकेंड अगो, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कितनी देर पहले इस शीट पर काम हुआ है। यहाँ पर जो कुछ मिनट्स भी लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डाटा अभी डिलीट किया हुआ है, तो यहाँ पर शोर आएगा लास्ट एडिट वाज सेकेंड अगो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी वर्जन हैं वो सभी वर्जन जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। कोई भी वर्जन अगर आप जो है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर कैसे करना है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऐसी वीडियोज हैं वो आती रहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम ये डाटा जो है वो डिलीट हुआ है, इस टाइम के बाद जो है वो इस शीट पर काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपने जो है वो चेक कर लेना है। अगर जो है यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर चले जाता हूँ, अगर यहाँ पर सारा डाटा मौजूद है मेरा जो डाटा डिलीट हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा डाटा मौजूद है। अगर मैं नीचे चला जाता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा सारा डाटा जो है वो मौजूद होगा, और अगर मैं लास्ट पर जा जाता हूँ तो यहाँ पर मेरी शीट जो है वो खाली होगी, क्योंकि उस वक्त मैंने जो है वो शीट में डाटा पुट नहीं किया था। ठीक है, तो जोन सा भी आप जो है वो जहाँ से भी आप डाटा को रिकवर करना चाहते हैं वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर करने के लिए सिंपली आपने रिस्टोर दिस वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर रिस्टोर दिस वर्जन के ऊपर भी आपका डाटा जो है वो रिकवर नहीं हो रहा था, तब इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको करने के तो एक तो हो गया कंट्रोल जेड, और एक जो ये मैंने आपको मैथड बता दिया कि आपने रिस्टोर वर्जन का लेना है। तीसरा आपने क्या करना है, तीसरा भी यही है कि डाटा को रिस्टोर करना है, तो वहां पर आपने जो है वो डाटा कहीं और से रिस्टोर करना है, तो सिंपली आपने फाइल वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्जन हिस्ट्री। ठीक है, वर्जन हिस्ट्री पर चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो वर्जन हिस्ट्री के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो है वो कुछ जो है वो इस तरह का इंटरफेस आएगा सी वर्जन हिस्ट्री का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो है वो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ से जो है वो डाटा शो नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जो है वो काफ़ी बार यहाँ से जो है वो डाटा को रिकवर किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर डाटा कभी कभार शो नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से आप जो है वो डाटा को आसानी जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।